मोहतरम सरदार अख्तर मेंढक साहब जो इस कमीशन के सरबराह हैं और कमीशन के मौजूदा अरकान और अजीज दोस्तों, साथियों, बहनों, भाइयों, बच्चियों, सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और आपने हमें वो बातें बताई जो हम जानना चाहते थे। जैसे सरदार साहब ने आपको बताया, हम कमीशन के वो लोग हैं जिनको अदालत ने भेजा है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने, जहाँ बलोच तालिब इल्मों ने दरखास्त दी थी जो उनके साथ ज्यादती हो रही है, जुलम हो रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उन्हें अगवा किया जा रहा है, तो अदालत ने नोटिस किया और अदालत ने हमें कहा कि आप इसका पता चलाएं। हमने सोचा ये सिर्फ तालिब इल्मों का मसला नहीं है, ये तो सारे बलोचों का मसला है, बलोचिस्तान का मसला है, तो इसलिए हम आपकी खिदमत में यहाँ आए और आपने आज हमें मेहरबानी की, हमें सारे बातें सुनाई हैं। ये बड़ी दर्दनाक बातें हैं, ये कहना आसान है जब हम आपसे कहते हैं कि सब्र करें, लेकिन हमें पता है कि सब्र करना कितना मुश्किल है। जिसके बच्चे हो उनको पता है कि जिसका बच्चा गुम हो जाए न रहे तो वो क्या सब्र करेगा, या किसी का बाप, किसी की माँ, किसी का भाई, जाहिर है कि ये बड़ी दुखी बात है। लेकिन जो अभी यहाँ बातें हुई हैं, खुद जो छोटी बच्ची ने जो बात की है, उससे हमें भी ये हौसला मिला है। उसने कहा कि मैं इस किसी को छोड़ूंगी नहीं, उसने कहा यहाँ भी जाऊंगी और दुनिया भर भी जाऊंगी। हम सब ये आपसे वादा करते हैं, हम हुकूमत नहीं, हम बस हमें नहीं कह रहे कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम लेकिन हम एक बात कर सकेंगे कि हम आपके साथ होंगे। इस कमीशन में नहीं भी थे तो आपके साथ थे, कमीशन में है वे आपके साथ है, कमीशन में नहीं भी होंगे तो हम आपके साथ जद्दोजहद आपके साथ होंगे। जब तक आपके अहले खानदान बराबर नहीं होते, आपके साथ उनकी मुलाकात नहीं हो जाती, हम जद्दोजहद में आपके साथ देंगे। और बलोचिस्तान में जब हम आए हैं, ये सही है कि आज मसलन सारा दिन सारी रात यहाँ नहीं गुजार सकते, लेकिन हमारा और यहाँ कोई काम नहीं है, हम यहाँ कोई जलसा करने नहीं आए, मुजाकरात करने नहीं आए, एक मौजू है मिसिंग पर्सन। अभी वकीलों के पास जाएंगे तो वकीलों के साथ भी हमारा एक ही मौजू होगा, मिसिंग पर्सन, कैसे उनको तलाश करें, किधर से तलाश करें, कैसे लाएं, कौन सा रास्ता है, उनसे पूछेंगे। कल हम हुकूमत के लोगों से मिलेंगे, उनके साथ भी हमें कोई काम नहीं है, कोई और मौजू नहीं है, एक मौजू है मिसिंग पर्सन। हर एक से, चाहे फौजी है, सिविल है, वजीर है, फला है, सबसे एक ही बात होगी, मिसिंग पर्सन। तो ये जो हमारा वक्त है, अगर आपके साथ यहाँ नहीं कोई अलग नहीं गुजार रहे, वो भी आपके लिए हो गई है, जो आपके साथ बात हो रही है इस पर मौजू पे इंशाल्लाह हम काम करेंगे। और ये रिपोर्ट जो है वो छपेगी, गुम नहीं होगी, ये रिपोर्ट आप भी देखेंगे, दुनिया भी देखेगी, जो हकीकत है उसको तो कम से कम दुनिया के सामने ले आएंगे। उसका नतीजा तो अल्लाह को मालूम है क्या होगा, लेकिन हम जरूर उसको दुनिया के सामने उसको लाएंगे और आपके सामने भी लाएंगे, अदालत के सामने उसको रखेंगे और पार्लियामेंट के अंदर भी हमारे जो दोस्त हैं वो पार्लियामेंट में इसको रखेंगे, पार्लियामेंट से बाहर भी। और मैंने जैसे अर्ज किया, ये जो है जारी रहेगी और ये कमीशन जो है ये अपनी रिपोर्ट जो है वो जल्दी, ये सर कमीशन नहीं है कि कई साल, इसका वक्त मालूम है, ये दिसंबर के शुरू तक ये अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेगा, यानी ये रिपोर्ट कम से कम आ जाएगी। इसमें कोई नहीं है कि ये अगले साल आएगी या इतने वक्त के बाद आएगी, ये बिल्कुल इसका वक्त मालूम है। तो आपका फिर शुक्रिया, आप दूर दूर से आए हैं, आपका आना हमें पता है कितनी तकलीफ आपने की है, किस मुश्किल से आप यहाँ पर पहुंचे, और यहाँ जो लोग बैठे हैं इस कैंप के हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो यहाँ पर जितने साथी बैठे हैं, हमें पता है कितने वक्त से, ये आसान काम नहीं है, अपना सारा घर बार सब छोड़ के आप जल्द के लिए बैठे हैं, तो हम इनके साथ भी इजहारे यकजहती करने आए हैं, हम इनके साथ हैं और फासले पर भी हो तो इंशाल्लाह आवाज हम उठाते रहेंगे।